नमस्कार, मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है आटे की पिन्नी की रेसिपी, जो कि पंजाब के अंदर सर्दियों में आमतौर पर सभी घरों में बनाई जाती है। तो ये हमारी पंजाब की मशहूर डिश है, जिसके लिए मैं किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लिया है, उसके बाद मैंने गोंद लिया, गोंद को मैंने इसको पीस कर इसको मैंने छान लिया था, काजू और बादाम, बूरा लिया है मैंने, नारियल का घी और पिसी हुई चीनी। ये हमारा जो घी था वो गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने ये आटा लिया था उनको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इनको अच्छी तरह से घी के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये घी हमारा थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर में, जब तक मैं इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ आटे को, उसके बाद में मैं इसके अंदर घी को थोड़ा और ऐड करूंगी। उसके बाद रोस्ट करने के बाद में हमें इसको अच्छी तरह से इसको इस तरह से घी को और आटे को हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये हमने इसको, ये देखिए, ये हमारा जो आटा था वो अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो अब मैंने इसको गैस को बंद कर देना है और अभी हमने इसके अंदर चीनी नहीं ऐड करनी। चीनी हमने जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही ऐड करनी, क्योंकि चीनी ये मैंने अब इसको बंद कर देना है गैस को, और बंद थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद में जो कि हमने चीनी है पीसी हुई वो ऐड करनी है। अभी हम नहीं कर सकते, मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि अगर हम अभी पीसी हुई चीनी को ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा जो गोद के आटा और गोद है वो चीनी की वजह से पानी छोड़ देगा, जिससे कि लड्डू हमारे बनेंगे नहीं। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसके अंदर चीनी को ऐड करना है। ये हमारा आटा और गोद अच्छी तरह से भुन चुके हैं। देखिए, ये आटा हमारा लगभग अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैंने जो नारियल मैंने इसका कद्दूकस कर लिया, तो वो इसके अंदर मैंने डाला है। आटे को हमने बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो इसके लड्डू बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। अब इसके अंदर मैंने काजू लिए थे, काजू भी मैंने अच्छी तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बादाम को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। अब मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इनको मिक्स करने के बाद में ये जो पिसी हुई चीनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, जितना भी आपका टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा लड्डू बनाने का जो मिक्सर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बना लिया है, मिक्स कर लिया है इसमें। ये हमारा मिक्सर अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब हमने इसको लड्डू बनाना स्टार्ट करना है, जिसमें से हमने जो मिक्सर है वो हमने इसमें से ले लिया है। आप अपने छोटे या बड़े आप अपने अकॉर्डिंग लड्डू बना सकते हैं। अपने मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, तो हमने इसको अच्छी तरह से इसको इस तरह से बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये हमारे लड्डू है जो बहुत बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, आप कम छोटे या बड़े, आप जो भी आपको साइज अच्छा लगता है लड्डू का वो आप बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज ही रखा है। ये देखिए, इसी तरह से हमने बाकी के सारे लड्डू रेडी कर। ये हमारे आटे के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।